तो दोस्तों मेडिकल एडवाइज के इस एपिसोड में स्वागत है आपका। हमारे चैनल का नाम फुल स्टडी विद जॉय है और आज हम बात करेंगे मोर पावर कैप्सूल के बारे में। ये मोर पावर कैप्सूल हाइट बढ़ाने का एक दवा होता है जो शरीर की रुकी हुई ग्रोथ को बढ़ाता है, पुनः चालू कर देता है। हमारे चैनल पे कमेंट में बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि कोई ऐसे कैप्सूल एपी मेडिसिन आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में बताया जाए जिससे हाइट लोगों की बढ़ सके, तो इसलिए आज हम लेकर आए हैं ये वीडियो। ये मेडिसिन बहुत ही उपयोगी होता है और पूर्णतः आयुर्वेदिक होता है क्योंकि इसकी आवश्यकता, हाइट की आवश्यकता हर जगह है। आप अक्सर देखे होंगे कि कहीं कहीं लोगों को इंडियन नेवी, एयरफोर्स सब में एडमिशन तो हो जाता है लेकिन एग्ज़ाम निकालने के बाद भी, लोगों को अच्छी तरह पढ़ने के बाद एग्ज़ाम निकालने के बाद भी हाइट की वजह से बहुत लोग छट जाते हैं। उसके लिए बहुत सारे उपयोगी हैं और अच्छी बात यह है ये मेडिसिन आयुर्वेदिक है, पूर्णतः आयुर्वेदिक मेडिसिन है। इसके फार्मूलेशन के बारे में, इसके कौन बनाता है, डिब्बे में कितने आता है, कितने रुपए में मिलता है और क्या क्या उपयोग है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। चलिए सर्वप्रथम इसके नाम के बारे में, मोर पावर इसका नाम है और इसका मैन्युफैक्चरर कंपनी जो यहाँ पर एक स्टिकर दिया है, सबसे पहले ये सील दिया है, इस पर आप देख सकते हैं दिविशा लिखा हुआ है। तो इसके मैन्युफैक्चरर का नाम दिविशा कंपनी है और हेल्प इंसिस्टेंट ग्रोथ, रुके हुए विकास, शारीरिक विकास को बढ़ाने के लिए सहायक आयुर्वेदिक कैप्सूल। और यहाँ पर 248 रुपये का इसमें 40 गोली का कैप्सूल के बॉक्स आता है और SBS बायोटेक यूनिट सेल इसका मैन्युफैक्चरर है, मेड इन इंडिया कैप्सूल है। 17 अप्रैल का बनता है, 20 अप्रैल में एक्सपायरी है। नया वीडियो जैसे ही मैंने बनाया है, ये नया माल भी है। इसको खोलकर इसको अनबॉक्सिंग में दिखाएंगे क्या दिया है। रेड कलर का कैप्सूल होता है और इसके अंदर आपको एक पर्ची भी मिलेगी जो बहुत बढ़िया चीज़ की है, कंपनी ने इसको दे दिया है। आपको इसी से देखकर आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि दवा कितना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। कंपनी खुद इसको पूरा इस पर पर्ची दे रहती है कि अगर आपको ये काम करे तो आप इसको सेंड कर सकते हैं और आप इससे हेल्प भी ले सकते हैं कंपनी से कुछ। इसको आप एक बार वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिए या फिर कहीं तो आपको पढ़ के सुना भी सकते हैं, लेकिन आप इसको वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा तो बढ़िया रहेगा, ज़्यादा समय इससे नहीं व्यर्थ होगा। सारा पर्ची आप भर सकते हैं। मुझे कैप्सूल बहुत अच्छा लगा क्योंकि इसमें भरी है, क्योंकि और कैप्सूल सिरप में वेतन से बहुत सारे लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हैं अच्छी तरह वीडियो पॉज करके। यहाँ पर इस मोर पावर कैप्सूल खाने के साथ क्या क्या आपको परहेज करना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। एक बार मैं पढ़कर सुना भी देता हूँ। तली व मसालेदार चीज़ों का सेवन थोड़ा कम करना है। प्रातःकाल खाली पेट दवा नहीं लेना है। दवा के सेवन के दौरान प्रातःकाल हल्की दौड़, योग, पंजों के बल खड़े होना, लटकना, ताड़ासन, हल्का व्यायाम व हरी पत्तीदार सब्जियों का आदि का सेवन करना है। मोर पावर कैप्सूल एवं सिरप पूर्णतः आयुर्वेदिक एवं शरीर के साथ किसी भी प्रकार का दुष्प्रभाव नहीं है। आप कैप्सूल मोर पावर एवं सिरप मोर पावर लेने के दौरान बुखार, खांसी, सिरदर्द इत्यादि की दवा का सेवन भी साथ ही कर सकते हैं। दवा कम से कम 3 माह तक नियमित रूप से अवश्य प्रयोग करें। युवतियां मासिक धर्म में भी प्रयोग कर सकती हैं। परिणाम अनुसार दवा का उपयोग अधिक समय से तब भी किया जा सकता है जबकि कोई इसका कोई भी दुष्प्रभाव नहीं है। अधिक जानकारी के लिए 24 हेल्पलाइन, जी यहाँ पे एक हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, इस 6 नंबर की लाइन को ये भी पढ़ सकते हैं। इसको युवतियाँ मतलब लेडीज भी प्रयोग कर सकती हैं दवा में। और दूसरी चीज़ नंबर 5 में आपको पता चलेगा कि मोर पावर का एक सिरप भी आता है, सिरप बहुत उपयोगी होता है। सिरप के बारे में एक और वीडियो हम बना देंगे लेकिन आप उसको वीडियो जरूर देखिएगा, इससे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इससे आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। नेक्स्ट वीडियो हमारा उसी पर रहेगा। मोर पावर कैप्सूल को बहुत लंबे समय तक भी लिया जाता है लेकिन आप इसको सिर्फ 3 महीने ही लीजिए। और डोज हम अभी बता रहे हैं कितना डोज होता है इसका, यहाँ पर एक हेल्पलाइन नंबर दिया है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो वीडियो में कमेंट करें, उसको हम दूर करेंगे, या फिर अगर आपको और कोई डाउट हो तो आप इस कंपनी पर डायरेक्ट कंपनी से ही बात कर सकते हैं। सबसे यहाँ पर रेड ग्रीन चीज ग्रीन पिक्चर का ये मतलब है कि ये कैप्सूल वेजिटेरियन है और ये इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। यहाँ पर डोज दिया है जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इस वीडियो का ये है कि इसका डोज कितना है। वयस्क के लिए डोज दो दो कैप्सूल दो बार है, अवयस्क के लिए एक एक कैप्सूल दो बार है। दवा का प्रयोग दूध, फलों और पानी के या फलों के रस के साथ किया जा सकता है। सिरप का डोज यहाँ पर है। तो इस वीडियो का यही भाग था, इसका उपयोग हाइट बढ़ाने के लिए। अगर आप चाहें तो
चैनल को सब्सक्राइब करें इस प्रकार के और सारे वीडियो देखने के लिए। और आशा करते हैं इस कैप्सूल खाएंगे और अगर चैनल पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।